बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है रूस से। खबर है कि यूक्रेन के कुछ लड़ाके रूस में घुस गए हैं और इस खबर की पुष्टि पुतिन ने की है। पुतिन ने यूक्रेन पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि यूक्रेन लड़ाकों ने रूस के बॉर्डर एरिया के एक गांव में आतंकी हमला किया है जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, रूस में यूक्रेन के लड़ाके घुसने का दावा यहां किया जा रहा है। पुतिन ने यूक्रेन पर यह बड़ा आरोप लगाया है। ब्रियांस्क के एक गांव में हमला हुआ है, पुतिन का ऐसा कहना है। रूस की तरफ से यह दावा किया गया है, यूक्रेनी लड़ाके घुसने की कोशिश करते हुए नजर आए। फायरिंग धमाकों की आवाजें भी आप सुन सकते हैं, ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। रूस के ब्रियांस्क में घुसपैठ का दावा किया गया है। यूक्रेन के कुछ लड़ाके रूस में घुस गए और इस खबर की पुष्टि खुद पुतिन ने की है। पुतिन ने यूक्रेन पर इल्जाम लगाया है और कहा है कि यूक्रेनी लड़ाकों ने रूस के बॉर्डर एरिया के एक गांव में आतंकी हमला किया। हालांकि यूक्रेन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह सब रूस पुतिन ध्यान भटकाने के लिए ऐसे दावे और ऐसे आरोप लगा रहे हैं। Ну что ж, друзья, вот и свершилось. Русский добровольческий корпус перешел государственную границу Российской Федерации. Доказательства прямо за моей спиной. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь. तो ये बड़ा दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है और इल्जाम ये कि यूक्रेन की सेना के कुछ जवान या कमांडो वो रूसी इलाके में घुसाए हैं और वहां पर गोलीबारी भी कर रहे हैं। ये बड़ा दावा किया गया है।